शादीशुदा हो कि नहीं हो? तो लो, क्या दिक्कत है? क्यों करूंगी मैं शादीशुदा इंसान? क्यों पता क्या? हमारे अलग होने की कहानी क्या है, क्या नहीं है? क्या कहानी है बताओ ना वो मुझे। ठीक नहीं थी, ठीक है, उसका बाहर अफेयर चल रहा था, इधर उधर समझ गई ना, फालतू की बातें कर रही है। अच्छा हाँ, अरे भाभी क्या बोल रहे हो तू? मेरा अफेयर चल रहा था। तू कहाँ से आई यहाँ पे? मैं ठीक नहीं हूँ। अभी तक मेरा हस्बैंड ये बोल रहा था, लड़की सबको फंसाना चाहती थी। कुछ भी बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? और अब इन पे केस करेंगे हम। केस करोगे तो जा कर ले, ठीक है? अब हम करेंगे भाई, पागल हो पागल हो। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? मैं हूँ ताज कुमार सिंह वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं आदिति जी और ये हैं रंजीत की वाइफ। गाइज आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कैसे इनके साथ एक मैटर हुआ, मतलब इनका एक्सीडेंट हुआ, और हमें शक था उन लोगों पे कि उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा। हम उनके घर भी गए बट वो वाइट गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि मुझे लगा था कि वो लोग ये काम करेंगे। और आज हमने इन्हें यहाँ बुलाया क्योंकि सब कुछ पूछना है हमें, सब कुछ जानना है। तो ये बात आप बता सकते हो कि उनके घर पे कोई वाइट गाड़ी है? हाँ, उनके पास वाइट गाड़ी है। आप जब थी तब था? हाँ, उनके पास थी वो। कौन सी गाड़ी थी? नेक्सोन की गाड़ी है उनके पास। नेक्सोन, टाटा नेक्सोन। अच्छा, तो मतलब हाँ, यानी कि अब हम उन पर शक कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है? और गाइज आज हमने यहाँ पे इन्हें बुलाया क्योंकि इनकी ये भी अलग रह रही है उससे। क्या मैटर, एक बार आप खुल के बताइए क्या मैटर है, क्यों आप उनसे अलग रह रही हैं? मैं उनसे अलग रहना नहीं चाहती थी, पर उनसे अलग रहने की एक मजबूरी है। अच्छा। उनका नेचर अच्छा नहीं है, उनके परिवार का भी नेचर अच्छा नहीं है, थोड़े लालची टाइप के लोग हैं वो लोग। हमारी शादी हुई तो ठीक है, हम लोग सही से रह भी रहे थे, फिर उन्हें पीना खाना स्टार्ट करा, मतलब उनका नेचर धीरे धीरे चेंज होता गया, मतलब अपना रूप दिखाते गए कि मैं ऐसा हूँ। पहले प्यार प्यार से बात करी उनने, फिर उसके बाद वो पीना खाने लगे, फिर अलग अलग तरीके से बात करने लगे, फिर कहने लगे कि अपने घर से पैसे लेकर आ, मतलब हर वक्त टॉर्चर पे टॉर्चर किए जाते थे कि ऐसे कर वैसे कर, मतलब उनकी हर बात मानूँ तो ठीक है, नहीं मानूँ तो मारना शुरू कर देते थे, पी के आना, ये सब हमेशा पैसे की डिमांड करते, डिमांड ही बस पैसों की कि 5 लाख रुपये लेके आ, 3 लाख रुपये लेके आ, अपने घर से मतलब पैसे पे पैसे ही मांगते थे, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब हर टाइम उनके यही एक ड्रामा रहता था। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी भैया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर मजबूरन मुझे उनसे अलग रहना पड़ा। और हमें पता चला है कि आपका एक बेटा भी है। हाँ, मेरा एक बेटा है। वो आपके साथ रहता है? वो मेरे साथ ही रहता है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, पता है अभी क्या हो रहा है? ये लड़की है, इसके पिताजी से 20 लाख रुपए लिए उन लोगों ने। 20 लाख आपसे भी लिए हैं? 20 लाख जी। और इन्हें शादी का वादा किया था उनके छोटे बेटे से। और मैं आपको एक बात बताऊँगा, आप शॉक्ड हो जाओगे, आपके जो पति हैं वो इनसे शादी करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो भैया आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ मैं आपको प्रूफ दूंगा, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है? अदिति एक बार आप बताइए कि ये बात सच है या नहीं। हाँ, ये बात सच है कि वो मेरे से शादी करना चाहते हैं, और वो तो ये भी नहीं बताना चाहते थे कि वो शादीशुदा है, वो आपको कैरेक्टर लेस बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप कैसी हो, आपका कोई नहीं, कोई नहीं, ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है? हम कैमरे के पीछे रहेंगे, वो आएंगे ना। अब इतना गिर सकते हैं यार, ये चीज़ें तो मुझे पता नहीं थी, ठीक है यार। वो दोनों भाई, वो दो उसके उसके पिताजी धमकी देते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, आज हद हो चुकी है इस मैटर को, ठीक है? तो अगर आप हमें सपोर्ट करोगे ना तो हम उनके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करूंगी क्योंकि मेरा बेटा परेशान है, बिना बाप के रहता है, मैं लोगों के कितने ताने सुनती हूँ, क्या क्या सुनती हूँ ये मैं जानती हूँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या झेल रही हूँ, मुझे दुनिया के आगे झूठा दिखावा करना पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि पर मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, मैं उनके साथ डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि पल पल पर उन्होंने मेरा जीना आराम कर रखा, मेरा बेटा भी पूछता है पापा कहाँ है, मैं नहीं बता पाती हूँ, तो भैया मैं खुद भी नहीं रहना चाहती हूँ उनके साथ। आप जैसा चाहोगे वैसा करना, मैं तो आपका तो साथ बस हूं। आज मैं उन्हें बुला रहा हूँ दोनों को, ठीक है? उसके और उसके भाई को यहाँ पे बुलाता हूँ, वो जो भी काम करते, देखिए देखिए इन्हें किस तरीके से परेशान करते हैं पैसे के लिए और कैसे टॉर्चर करते हैं, वो चीज़ आप देख रहे हैं। और इनके जो पिताजी से उन्होंने पैसे लिए हैं वो भी नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो आप सब कुछ आप सब कुछ देखना, फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश करना, अगर वो नहीं समझते हैं तो आज हम लोग उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है? ठीक है, ये माइक आप रख लो, वो आ रहे हैं, ठीक है? हम कैमरे के पीछे चलिए। हाँ, किसने बुलाया यहाँ पे? इतने फालतू का टाइम तो है नहीं हम लोग पास, जब बुलाते चले जाते हम लोग। अच्छा, फालतू का टाइम मेरे पास भी नहीं है, तुम लोगों ने पैसे लिए हैं, जब बुलाऊंगी तब आना पड़ेगा। पहले आवाज नीचे करके बात कर, ठीक है? ऐसे ही बात करूंगी मैं, ठीक है? जब देखो तब मुंह उठा के फोन कर दिया,
क्या बदतमीजी है ये, किस तरह से बात कर रहे हो? किसने बुलाया यहाँ पे हमें? पैसे दो मेरे। कौन से बुलाया है? कौन से पैसे? मुझे मेरे पैसे चाहिए। शादी करने के लिए तैयार हूँ ना? क्यों, मैं तुमसे शादी करूंगी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? शादीशुदा होने के बाद भी मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? शादीशुदा लगा रखा है ये, मैं तब भी तैयार हूँ ना तेरे से शादी करने के लिए? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, नहीं करनी। अपनी शक्ल देखी है तूने? अपनी शक्ल देखी है? सुन, बहुत अच्छी शक्ल है मेरी, ठीक है? मत कर यहाँ पे, और बहुत अच्छी। हमेशा तू बुला लेती है, जब देखो तब फोन कर दिया, आ जाओ। क्या बात करनी है आज? फाइनल कर, फाइनल ही बात करनी है, ठीक है? मुझे इतना बता दो कि कब पैसे दोगे? कब पैसे देंगे? पैसे नहीं है मेरे पास में। अरे पैसे के पैसे नहीं है तो लिए क्यों थे पैसे, जब देने की औकात नहीं है तो? देने की औकात नहीं है, पैसे दो मेरे। समझ में आ रही है? तुझे शादी करनी है? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। नहीं करनी है तो फिर पैसे काहे बात के मांग रही है? क्यों नहीं लूंगी भाई, मेरे पैसे है, जब मुझे शादी नहीं करनी मेरे पैसे वापस करो। कौन से पैसे लिए हमने? हमने तो कोई पैसे नहीं लिए, तेरे को पहले भी समझाया था ना। तुमने कबूल किया कि तुमने पैसे लिए? झूठ मत बोलो अब। अरे चल ऐसे कबूल बहुत करते हम। बकवास मत करो, मैंने जितना पूछा बस उतना बताओ और जाओ यहाँ से। कहाँ जाए? मुझे क्या पता कहाँ जाओगे? अभी तो तुम बोल रहे थे, अभी तो तुम बोल रहे थे तुम बहुत बिजी हो, तो जाओ यहाँ से, पैसे दो मेरे। बस यही कहने के लिए बुलाया था? फोन पे भी कह सकती थी ना ये बात? क्यों बोलूंगी मैं फोन पे? मैं अपने पैसे लेने के लिए बुलाया था, पैसे दो मेरे। पैसे दो मेरे, ये बताओ मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? कोई पैसे वैसे नहीं है, शादी करनी है तो कर। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी मुझे शादी। नहीं है कोई पैसे? क्यों नहीं है? नहीं है पैसे। क्या बोला था तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलके कि हम जल्दी पैसे वापस कर देंगे? अब तो कैसे तुम कर रहे हो? था ना? कितना टाइम लिया था? मुझे टाइम बता दो ना, कितना टाइम लिया था? कितना टाइम लिया था? जब होंगे तब देंगे, अभी नहीं हम पे कुछ। मुझे पैसे चाहिए मेरे, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, आप कब मेरे पैसे वापस करोगे? पैसे वैसे तुझे बोला ना पैसे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पैसे मुझे नहीं है, शादी करनी है। कर बन रही हो क्या तुम? पैसे ले जाओ। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। क्यों नहीं करनी शादी? नहीं करनी तुम भाई, पहले से शादी शुदा हो। पहले से शादी शुदा हो? तुम सब पागल वागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? अच्छा तुम शादी शुदा नहीं हो? क्या क्या प्रूफ किया कि मैं शादी शुदा हूँ बता? प्रूफ? हाँ अभी देती हूँ तुम्हें। क्या प्रूफ देगी बताना? पता चल जाएगा तुम्हें। क्या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। रुको यही रुको, दो मिनट, पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो। तो क्यों करूंगी मैं शादीशुदा इंसान से? शादीशुदा इंसान है? हाँ शादीशुदा इंसान है। अच्छा तो दिख रहा है, शादी कर लो इनसे। तुम्हें अच्छा दिख रहा होगा ना, तुम्हारा भाई है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। यार क्या तुम लड़की का चक्कर चलता है भाई, जब मन था फोन उठ कर दी, जब क्या शादी शादी का करनी है नहीं करनी है? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। तुम शादीशुदा हो, समझ में आ रही है? फालतू मत बोल, ठीक है? अपनी ना उसमें रह जाना, तुम अपनी औकात में रह के बात करो। अपनी औकात में रह। प्रूफ का साथ ही साथ क्या लगा रखी हो तुम? शादी कर रखी है उसने शादी। शादी नहीं कर रखी है। प्रूफ है मेरे पास, बहुत प्रूफ है मेरे पास। तुमने पहले भी बोला है कि तुम शादीशुदा हो, कैसे बोल सकते हो शादीशुदा नहीं हो तुम? कोई शादीशुदा नहीं, तेरे पे कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है? मेरे पास प्रूफ है और पता चल जाएगा तुम्हें। चल जाएगा, चल जान दे। अच्छा तुम्हारा एक 5 साल का बच्चा था और तुम बोल? कुछ भी नहीं था, चल वो बीवी मत कर ज्यादा, ठीक है ना? क्यों पता क्या? हमारे अलग होने की कहानी क्या है, क्या नहीं है? क्या कहानी है बताओ ना वो मुझे। ठीक नहीं थी, ठीक है? उसका बाहर अफेयर चल रहा था, इधर उधर, समझ गई ना, फालतू की बातें कर रही है। अच्छा हाँ। अरे भाभी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? मेरा अफेयर चल रहा था, तू कहाँ से आई यहाँ पे? तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ में आ रही है? अरे पहले बैठ, ठीक है? तुम इतना गिर सकते हो, मुझे नहीं पता था तुम इतना भी गिर सकते हो। तुम शादी की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं? अरे भाभी लड़की सही नहीं है, पता नहीं आपको? तुम अपना मुंह बंद रखो, पता है? तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हो? तुम शांत रहो, लड़की से ज्यादा बात नहीं करता मैं। कुछ सुना है अपने कानों से, अपनी आंखों से सब देखा है। यार तुझे, तू पागल कहाँ इनकी बातों में आ रही है, तुझे पता तो है ही। मेरे को सब पता है, अब तुम मुझे बहला फुसला नहीं सकते। तुमने मुझे बहुत टाइम बहला है फुसला है, तुम्हें पता है। देखो भैया मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। लड़की सही नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। अभी तक मेरा हस्बैंड ये बोल रहा था, लड़की सबको फंसाना चाहती, तुम ये बोल रही है। सुनो अभी तक मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि मैं करेक्टर लेस हूँ, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं है। यार ये बात बोल रहे हैं, मेरे से मेरी बात लड़की से पीछे छुड़ाने चाहते बातों में। यार ये पीछे पड़ी हुई तुझे, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ में आई? भाभी भाभी कर रहे हो, भाभी का डोंग दिखा रहे हो। अभी तो बोल रहे थे कि भैया की शादी नहीं हुई है, तुम जानते हो। तुम शांत रहो, समझ में आई? तुम आवाज नीचे, तू कम बोल जरा, ठीक है? मैं ऐसे ही बोलूंगी। क्यों आज तुम्हारी बोल खुल गई? उसके साथ तुमने जैसा किया वो पहचान चुकी हूँ, उसने सब बता दिया मुझे। पागल वागल क्या तू सुन रही है यार, तू क्यों ऐसा कर? अभी रो मत यार, क्या करती? तू रो मत यार प्लीज, तू समझ गलत मेरी बात। यार मैं गलत थोड़ी हूँ यार, भैया शुरू से गलत है, भैया ने शुरू से मेरे साथ गलत किया है।
अरे अब ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़की सही नहीं है, बात समझो। मेरी बात समझ, तू किस मतलब दो मिनट में उसकी बात पे एक लड़की से बर्बाद करना चाहती है, पता है भाभी? उसने ये बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो भी तुम हालत देखिए मेरी, तुम दोनों जिम्मेदार हो इस हालत के। तुम लोगों ने एक्सीडेंट करा, तुम लोग इतने गिर सकते हो, मुझे ये नहीं पता था, ठीक है यार, लालच समझ आता है, तुम लोग पैसे मांगते हो सब कुछ ठीक है यार, तुम किसी को मरवा भी सकते हो, तो अगर वो मर जाती तो क्या होता? ये सब हम लोग घर पे जाके बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात कर लेंगे, तो मैं तुम पे कैसे करूँ, तुम मेरे साथ रहते हो, तुम मेरे साथ रहते हो, मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ और क्यों करूँ? अभी जो हुआ सो खत्म करो बात, इसको लड़ाई करवा ले, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात, जो मर्जी करा रही है, मैंने सारी उसकी बात सुनी है, मैं उसी की सुनूंगी, तुम लोगों पे मुझे अच्छा इस पे इतना विश्वास हो गया आपको? बहुत विश्वास हो गया है, मैं किस बात, और तुम दोनों की तो कंप्लेंट होगी, तुम दोनों अब पुलिस स्टेशन जाओगे। जब भाभी कहाँ चली गई थी तब भाभी अलग रह रही है 3 साल से, तुम्हारा भतीजा अलग रह रहा है, तुम्हें पता है, तुमने तब पूछा, आगे अब पूछ रहे हो भाभी भाभी भाई, उस हम लोग आपस में बात आपस में बात कर लेंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो ना, आज पोल क्या खुल गई, दोनों के दोनों सीधे बन के बैठे हुए हो, तुम तो कैरेक्टर लेस बोल रहे थे, कैसे बैठे हुए हो उनके चरणों में, तुम कम बोलो समझ में आई? बहुत हो गई तेरी नौटंकी, वो क्यों कम बोलेगी, वो क्यों कम बोलेगी, करेक्टर भाभी बैठ जाओ, भाभी बैठ जाओ, नहीं क्या बैठ भाभी, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी कोई भाभी नहीं है, तुम शांत रहो, हीरोइन मत बन, मैं हीरोइन नहीं बन रही हूँ, समझ गई, मैं तुम्हारी पोल पेटी इसलिए खोल रही हूँ कि तुम हो ऐसे, बहुत बड़ी देर से समझा रहा, तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? मैं चैन नहीं मिला, मेरे पापा से सारे पैसे हड़पे तब चैन नहीं मिला, अब इस लड़की के पापा से भी हड़प रहे हो तो भी चैन नहीं मिला, कितनों के पैसे हड़पोगे ये बताओ, कौन से पैसे हड़प लिए, क्या नहीं हड़पे बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे लिए, कितने पैसे लिए तुमने मुझसे, अभी भी तुम्हें पैसे नहीं लेते रे, झूठ मत बोल, अभी तुम बोल रहे थे, अभी तुमने कबूल किया था, वो सब कुछ सुन रही थी वहाँ बैठ के, ठीक है, मैंने सारी बातें सुन ली है, ठीक है, बकवास मत करो, सीधाई का नाटक मत करो, जो मर्जी कर ले, जो बता, तुझे तो ज्यादा हीरोइन मत बन, बता रहा हूं बार बार, तुम मुझे साथ क्या करोगे, मैं तुम्हारे साथ करूंगी, तुम्हें क्या लग रहा है, तू क्या करेगी, तुम्हें ये नहीं लगा तुम्हारा बेटा है, तुम्हें ये नहीं लगा, तुम शादी की बात कर रहे हो, मेरे होते तुम शादी की बात कर, बेशक मैं अलग रहती हूँ पर मैंने तो शादी नहीं करी, पर तुम कैसे शादी की बात कर रहे हो, शादी की बात, तुम उस लड़की के साथ इतना गिर सकते हो, उस लड़की को मरवाने तक भी तुम तुल गए, तुम लोगों ने एक्सीडेंट कराया, उसके पापा से पैसे ले लिए, मेरे पापा कोई पैसे नहीं ले, तू जो कुछ नहीं बता वो झूठी कहानी बना रही है सारी, वो खेल बना रही है, कोई खेल नहीं बना, मैं झूठ बोल रही हूँ, अभी विश्वास करो हम लोगों पे, तुम तो तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम तो यहाँ से निकल जाओ, वही बेहतर है, तो क्या कर लोगे तुम, लड़की समझ छोड़ दो, अब तुम लोग देखोगे क्या करो, भाभी शांत रहो, भाभी शांत, क्या शांत रहो, कर रहे हो भाभी, अब शांत रहो, हम लोग घर तुम इज्जत कर रहे हो, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, नहीं शांत होंगे तो क्या करोगे तुम, तुम क्या करोगी फिर, हम जो करेंगे वो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे, समझ गए, पैसे लेके तू हीरोइन मत बन जाता, मेरी बात सुनो, ज्यादा समझा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, समझ आई, ठीक है ठीक है, तुमने हमारी लाइफ बर्बाद करी है, घर पर जाकर चला गया, मेरी तो करी उस लड़की की भी कर रहे हो, किसी का हमने कुछ नहीं करा, उससे शादी करने की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम शादी शुदा हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, शादी शुदा होने के बाद तुम शादी की बात कैसे कर सकते हो, और तुम देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे जितनी सहन कर ली थी मैं कर चुकी हूँ, समझ आ रही है, मैं जितनी कर चुकी थी मैंने कर ली, और मैंने तो उस लड़की की बात तो सुन के मैं उस लड़की के साथ हूँ अब, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ है जो उसके साथ मतलब हो रहा है, और हाँ मेरी बात सुनो, इनसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, और अब इन पे केस करेंगे हम, केस करोगे तो जा कर ले, ठीक है, अब हम करेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार पे, समझ आई, ठीक है, क्या बोले जा रहे, मुझे तुम दोनों जेल जाओगे, तुम दोनों की सच्चाई जब सबके सामने आ चुकी है तो अब तुम दोनों जेल जाओगे, लोगों की गलत फहमी थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम देखते जाओ हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे केस, और जो करना कर लियो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, और तुम भी जाओगे और तुम्हारे पापा भी जाएंगे, तुम्हारा पूरा परिवार जाएगा, हम करेंगे, धमका नहीं रहे, जो कह रहे ना वो करके दिखाएंगे, जो बोल रहे ना वो करके जाएंगे, के खिलाफ नहीं जा सकते ना, तुम्हारे पिताजी भी जाएंगे, जो पैसे लेके हड़प के बैठे है ना वो अच्छे से पैसे भी देंगे, ठीक है ठीक है, तुम इज्जत के लायक नहीं हो, समझ आई, ठीक है, नहीं हो, किस बात की इज्जत की बात कर रहे हो, पैसे लेने में बेइज्जती नहीं लगी है, एक बाप से तुम पैसे ले रहे हो, तुम समझ सकते हो, इज्जत की बात कर रहे हो, ठीक है, कम बोल, ठीक है, आप कम नहीं बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे, पैसे लेके बैठे हुए हो, कम बोलेंगे, हम पैसे ही क्यों बोलेंगे, कम सुनो, अब ये पैसे तो मैं तुमसे निकलवा ही लूंगी, ये पैसे जा रहे हैं और ये जेल भी जाएंगे, समझ आई, तुम देखते जाओ हम लोग क्या कर सकते हैं।